कांग्रेस नेता शशि थरूर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि थरूर ने कुछ इस तरह की गलती कर दी जिस वजह से कांग्रेस पार्टी को भी शर्मिंदगी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फेक न्यूज को सही मानकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निधन की फर्जी खबर को ट्वीट कर दिया। इसके बाद थरूर की काफी फजीहत हुई। हालांकि थोड़ी देर बाद शशि थरूर को अपनी गलती का पता भी चला। उधर शशि थरूर के ट्वीट पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ताई एकदम स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। थरूर ने बीते दिनों ट्वीट करके बताया कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी हमारे बीच नहीं रही, ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उधर सुमित्रा महाजन के निधन की खबर ट्वीट होते ही दूसरे लोगों ने भी शोक संवेदना व्यक्त शुरू कर दी। हालांकि थोड़ी देर बाद लोगों को भी पता चला कि सुमित्रा महाजन ठीक हैं और उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, हालांकि मौजूदा समय वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस बात की जानकारी देते हुए शशि थरूर ने दोबारा ट्वीट करके खेद जताया और कहा कि मुझे खुशी है कि उनकी निधन की खबर गलत निकली है। वैसे आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी शशि थरूर कई बार गलत ट्वीट कर चुके हैं जिसके बाद उन्हें लोगों ने जमकर ट्रोल किया है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।